निकालेंगे हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में, किसमें निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, तो किसे रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एल सी, किसे रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एल सी, ये कोई भी मूवमेंट, इसका फॉर्मूला क्या था कैपिटल एल का एम वी आर, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या निकला है एम इज इक्वल टू ई वी आर, एन वी आर अपॉन टू, एन तो नंबर ऑफ टर्म तो ई वी आर अपॉन टू। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली वी आर, वी आर की वैल्यू क्या आई एल डिवाइडेड बाई एम, ये वी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो एम इज इक्वल टू ई एज इट इज, वी आर की जगह क्या पुट करेंगे एल डिवाइडेड बाई एम और टू एज इट इज। एम क्या है यहाँ पे, इसका मास है इलेक्ट्रॉन का मास, तो कैपिटल इससे ये सेल को नीचे लेके आए एम डिवाइडेड बाई एल किसके इक्वल आया ई डिवाइडेड बाई टू एम डी। ये किस किस की रेशो आई है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की और एंगुलर डायपोल मूवमेंट की। ई तो क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स होता है, एम भी क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होता है फिक्स होता है। तो एम अपॉन एल की रेशो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और एंगुलर डायपोल मूवमेंट इन दोनों की रेशो भी क्या आएगी फिक्स आएगी, और इसी रेशो को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरो का मतलब रोटेट करना, गायरोमैग्नेटिक रेशो केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा होगा। इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बोर थ्योरी की, बोर थ्योरी की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम एल किसके इक्वल होता है एन एच अपॉन टू पाई, किसके इक्वल होता है एन एच अपॉन टू पाई। तो हम क्या करेंगे एल की जगह, इस एल की जगह हम क्या पुट कर देंगे वैल्यू पुट कर दो ई एन एच अपॉन टू एम मल्टीप्लाई टू पाई, तो कैपिटल एल की वैल्यू यहां से क्या आएगी एन ई एच डिवाइडेड बाई फोर पाई एम, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम की। एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच क्या प्लैंक कॉन्स्टेंट, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या आई एन ई एच डिवाइडेड बाई फोर पाई एम। अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू वन, तो क्या आएगी ई एच कोण फोर पाई एम। ऐसे हम टू की निकाल लेंगे, ऐसे थ्री की, इस चीज का मतलब क्या हुआ अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट एन इंक्रीज हो रहे हैं तो एम विल ऑल्सो इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या रहा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम एम मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, देखो इस चीज को इंक्रीज कर एम मिनिमम की वैल्यू आएगी, हाँ जी देखो एम मिनिमम ऐसे करते करते हम निकाल लेंगे कैपिटल एम क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी ई एच अपॉन फोर पाई एम, और इसको बोलते हैं हम बोर मैग्नेटाइजेशन, बोर मैग्नेटाइजेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है फिक्स होती है, इसका रिजल्ट जो फिक्स कितना है 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, ये क्या आता है इसका रिजल्ट एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये था ये क्या है बोर मैग्नेटाइजेशन, ये इसकी क्या होगी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, क्या वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻²⁴। हाँ जी नेक्स्ट देख, जो इलेक्ट्रॉन है ये दो टाइप से, इलेक्ट्रॉन इज टू टाइप ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो दो कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है ऑर्बिट, एक तो कौन सा है ऑर्बिटल और एक कौन सा है इंट्रिंसिक, एक कौन सा ऑर्बिटल और एक कौन सा इंट्रिंसिक, इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो तो सेम होता है हाफ ई एम ई स्क्वायर, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है इस चीज का एंट्रेंसिक स्पिन का, एंट्रेंसिक का मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये है एंट्रेंसिक इसी को क्या बोलते हैं फंडामेंटल सोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फंडामेंटल सोर्स को फंडामेंटल है जो ये क्या है एंट्रेंसिक फंडामेंटल सोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बात क्या है इसमें
उन्हीं के बेस पे ये पूरा सोल्व है। ठीक है, तो या ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका, तो इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना और इनकी सोल्व करके बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे।